बीजेपी की लग गई लंका। वसुंधरा राजे ने कहा, मैं राजस्थान छोड़ने वाली हूं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे से पहले जयपुर में वसुंधरा राजे ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं राजस्थान छोड़ने वाली हूं, मैं यहीं रहूंगी और लोगों की सेवा करूंगी। राजे ने कहा कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत हो तो वह उनकी मदद ले सकती है। जब कौरवों ने द्रौपदी का अपमान किया तो उसने भगवान कृष्ण से मदद मांगी। लोगों ने यह सोचकर उसका मजाक उड़ाया कि वह उसकी मदद करने नहीं आएंगे, लेकिन वह आए। वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं महिला आरक्षण विधेयक लाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उसकी मांगे लंबे समय से रही है। भाजपा नेत्री ने कहा कि कुछ महिलाएं मेरे साथ हाथ पर हाथ दिए नहीं बैठ सकती। वो बोली कि रक्षा सूत्र बांधना चाहती ही। मैं बता दूं आप सभी को कि वसुंधरा राजे की यही मांग बहुत ज्यादा आगे लाई, लेकिन उसने कहा कि इस तरह के समर्थन की उम्मीद नहीं थी। राजे ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। यह महिलाओं की लंबे समय से मांग रही थी कि उनकी सभी लोग रक्षा जरूर करें। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर सकते हैं।